भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने मंगलवार को परवत्ता थाने का निरीक्षण करते हुए थाना क्षेत्र के अपराध की समीक्षा की है। इस क्रम में भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में वैसे लोग जो पहले गड़बड़ी कर चुके हैं और जिनके द्वारा गड़बड़ी किए जाने की संभावना है, या फिर वैसे लोग जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है, वैसे ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। बिहपुर में पुलिस पिटाई से मारे गए ई आशुतोष हत्याकांड के मामले में बिहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी नहीं होने की बाबत सवाल पर डीआईजी ने कहा कि पूर्व थानाध्यक्ष के घर की कुर्की की गई है, पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है, पुलिस लगातार गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। साइलेंट क्यों किया तुम्हारे, साइलेंट कर लीजिए। अपना क्या सब देखा गया, क्या सब जांच किया गया सर? हम लोगों का एनुअल इंस्पेक्शन का जो शेड्यूल है उसके तहत आज मैं परवत्ता थाना में आया था और यहाँ पर जो भी अनुसंधान है, तो लंबित कांड है, सरकारी अभिलेख है, पदाधिकारियों के पास क्या जिम्मेदारी है, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने यहाँ पर गहन चर्चा की और सभी अभिलेखों का अवलोकन किया और उसके बाद जो भी निर्देश जहाँ पर देने की आवश्यकता होगी उसको भी दिया है। क्या सब कमी देखी गई इस? नहीं, एक सतत प्रक्रिया, हर एक साल जो है निरीक्षण का एक कार्यक्रम पहले से तय होता है, उसी तय कार्यक्रम के तहत हम लोग थानों में जाते हैं, पुलिस के डिफरेंट यूनिट्स में जाते हैं और वहाँ से हम लोग जो क्रियाकलाप हम लोगों को निर्देश पुलिस मुख्यालय के तरफ से प्राप्त होता है या मेरे कार्यालय से, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से, थाने के अभिलेख इत्यादि का अद्यतन रहना, इन सभी विषयों पर निरीक्षण किया जाता है, रूटीन वर्क। सर एक और जानकारी चाहना चाह रहे हैं, सर आशुतोष हत्याकांड इंजीनियर का हुआ था, उसमें अभी तक तत्कालीन थाना तक जो है गिरफ्तार नहीं हो पाए, इस पर सर कुछ? उनकी गिरफ्तारी को लेकर जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों का प्रयास है, बट उस केस में हम लोगों ने उनके घर की कुर्की की है और पुलिस के सेवा से भी वो बर्खास्त हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है बट अभी तक सफलता नहीं है। सर दूसरा एक रंगरात ओपी है सर, लेकिन वहाँ पे लगातार 5-6 प्रत्येक दिन केस होती है, लेकिन ओपी है, गोपालपुर आना जाना बड़ी परेशानी होती है। बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में ऐसे कोई टिप्पणी करना, गोपालपुर रंगरापुर थाना बन जाता सर। मैंने जैसा कहा कि वो एक बड़ी गंभीर प्रक्रिया है जिसका पालन करके फिर कोई थाना का निर्माण होता है, तो ऐसे बता पाना संभव। सर पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी की? पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की तैयारी लगातार चल रही है, वैसे तत्वों की पहचान जो पंचायत चुनाव में पूर्व में गड़बड़ियाँ किए हैं, इनके ऊपर संभावना है कि वो गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जिनका पहले इस तरह चुनाव इत्यादि में हंगामा, मारपीट, अन्य अपराध में शामिल होने का शिकायत है, उन सभी लोगों की सूची हमारे पास बन गई है और इन लोगों के ऊपर CCA के तहत प्रस्ताव, इनका बेल कैंसिलेशन, ये सब जो प्रक्रिया है वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। सर लास्ट थाना का बाउंड्री वॉल का मामला भी फंसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इसके संबंध में मैंने अभी SP साहब को कहा है कि वो इस पे सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर पहले पता कर लें कि विवाद कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद सर।